दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरी के छोटे बच्चे जो ना पत्ती खाते हैं ना ही भूसा खाते हैं तो फिर उन्हें दस्त क्यों लगते हैं। बीमारी जो होती है बकरियों में या बकरी के बच्चों में वो तो हमें ठीक करनी ही है, पर हमें उस बीमारी की जड़ को पता करना है कि वो बीमारी हो क्यों रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरी के छोटे बच्चों में मिट्टी खाने की समस्या के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरी के छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपने माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपकी बकरी का बच्चा मिट्टी खाता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, और बकरी का बच्चा मिट्टी क्यों खाता है, उसके मिट्टी खाने के क्या कारण हैं, अगर वो मिट्टी खा रहा है तो हम उसका क्या इलाज ऐसा करें जिससे कि वो मिट्टी खाना बंद कर दें। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं, जो ना ही ग्रीन फोडर खाते हैं ना ही ड्राई फोडर खाते हैं और ना ही किसी तरह की पत्ती खाते हैं, तो उन बच्चों में कई तरह की समस्याएं होती है, कई तरह के ऐसे मिनरल्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो मिट्टी खाना चालू कर देते हैं। तो मिट्टी खाने के साइड इफेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बकरी का जो बच्चा होता है जो सिर्फ दूध पीता है, जब वो मिट्टी खाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो जिस जगह पर रह रहा है वहां पर अगर वो मिट्टी खाता है तो मिट्टी खाने के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। मिट्टी खाने की वजह से बकरी के बच्चे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखी गई है वो है लूज मोशन, दस्त की समस्या। जो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं अगर उन्हें लूज मोशन हो रहा है, उन्हें डायरिया हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो मिट्टी खा रहा है। क्योंकि मिट्टी के माध्यम से जैसा मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया उसके पेट में चले जाते हैं जिसकी वजह से उसे लूज मोशन होते हैं, बहुत ज्यादा दस्त की समस्या होती है। तो ऐसे में आप भी जानते हैं कि अगर बकरी के छोटे बच्चे को दस्त लग जाए, लूज मोशन हो जाए, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम उसका इलाज समय से नहीं करते हैं तो बच्चे की मौत भी हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी क्यों खाते हैं। जैसा कि मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं कि जो छोटे बच्चे होते हैं बकरी के 0 से लेकर 15 दिन के, जो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो उन बच्चों में क्या होता है कि उनके अंदर रुमन विकसित नहीं हो पाता है, जो रुमन होता है उसका विकास नहीं होता है, उस वजह से उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। क्योंकि रूमन ही है जो बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति करता है बकरी के बच्चों के अंदर। जब बच्चों में बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो उनके अंदर कई तरह के मिनरल्स की कमी हो जाती है, ऐसे में बच्चा मिट्टी खाना चालू कर देता है। क्योंकि बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रूमन का विकास तभी हो पाता है जब वो ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर खाना चालू कर देता है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चा 0 से लेकर 15 दिन तक कुछ भी नहीं खाता है और ना ही पानी पीता है, तो ऐसे में उसका रूमन का विकास नहीं हो पाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बकरी का बच्चा मिट्टी ना खाए, उसे आगे जाकर लूज मोशन, डायरिया या गैस जैसी समस्या ना हो, तो आप उसे बाहरी माध्यम से बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। आप अपनी बकरी के बच्चों में बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति के लिए पोलिवियन यूज कर सकते हैं। ये जो पोलिवियन है ये बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर है। हम लंबे समय से इसे अपने बकरी फार्म में इस्तेमाल करते आए हैं। क्योंकि बकरी का बच्चा चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, उसे मिट्टी खाने की आदत होती है और उसे मजबूरन मिट्टी खानी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसके शरीर में मिनरल्स और बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, इस वजह से वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है। तो जब आप अपने बकरी के बच्चे को पोलिवियन सिरप देंगे तो वो मिट्टी नहीं खाएगा। जब वो मिट्टी नहीं खाएगा तो उसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कभी दस्त नहीं होंगे, लूज मोशन नहीं होंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज के समय में बकरी पालक अपने बकरी के बच्चों की ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। हर बकरी पालक की एक ही समस्या है कि हमारे बकरी के छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ समय से नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब बकरी के बच्चे को दस्त लगते हैं, लूज मोशन होते हैं, तो उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपके बकरी के छोटे बच्चे हैं उन्हें कभी लूज मोशन नहीं होने देना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने बकरी के बच्चों में पोलिवियन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसे ज्यादा नहीं देना है। आपका बकरी का बच्चा जब 2 दिन कंप्लीट कर चुका हो, जैसे कि उसे जन्म लिए 2 दिन हो गए हो, तो आप 3रे दिन से उसे 2 ml से लेकर 5 ml तक पोलिवियन दे सकते हैं। और ध्यान रहे आपको तब तक ही सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स बाहरी माध्यम से देना है जब तक कि वो ग्रीन फोडर और ड्राई फोडर खाना चालू ना कर दे। क्योंकि जिस दिन वो ड्राई फोडर ग्रीन फोडर खाना चालू कर देगा, हरा चारा खाने लगेगा, तो उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि उस समय रूमन विकास कर चुका होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको बीमारी जो होती है बकरियों में या बकरी के बच्चों में वो तो हमें ठीक करनी ही है, पर हमें उस बीमारी की जड़ को पता करना है कि वो बीमारी हो क्यों रही है। अगर बकरी के बच्चों में दस्त हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं,
दस्त होने के दो मेन कारण है। पहला माँ का दूध, अगर आप लिमिट से ज्यादा दूध पिलाएंगे तो भी उसे दस्त होंगे। दूसरा मिट्टी खाना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरी के छोटे बच्चे जो ना पत्ती खाते हैं ना ही भूसा खाते हैं तो फिर उन्हें दस्त क्यों लगते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके बकरी के छोटे बच्चों को लूज मोशन ना हो, उसे आफरा ना हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो आप उसे बाहरी माध्यम से बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका नाम पोलीवियन है, ये पोलीवियन के नाम से आती है। आप किसी भी नाम की कोई भी अच्छी कंपनी की जिसमें बी कॉम्प्लेक्स हो आप अपने बकरी के बच्चों को जरूर दें। दोस्तों आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।